जय श्री आदित्य नारायण। अर्कक्षेत्र कोणार्क आउ एक अध्याय आपण मान स्वागत करुछु। आमे कोणार्क सूर्य मंदिर विशेषत्व एवं तार गरिमा तार अस्मिता बोध को नहीं विभिन्न अध्याय आलोचना करिछु। विभिन्न भावरे विभिन्न मतवाद को नहीं विभिन्न चेतना को नहीं विभिन्न दर्शन को नहीं कोणार्क गरिमा बा गौरव होइछि विशेष भावरे अवधारित कोणार्क गौरव होइछि प्रख्यापित। यही प्रसंग को नहीं से अर्कक्षेत्र कोणार्क विशेषत्व शीर्षक आलोचन आज आम पाई वरेण्य आलोचक भाव आध्यात्मिक गुरु विज्ञानी संथ श्री संथ महाभाग आम सहित तो उपस्थित रही विशिष्ट ऐतिहासिक विशिष्ट सारस्वत साधक बाग्मी माननीय डॉक्टर संजय कुमार महापात्र महोदय। आम श्री संथ महाभाग प्रथम जानवू जो कोणार्क अर्कक्षेत्र विशेष भाव में प्रलुब्ध करी जोगी ऋषि मुनि आरंभ कर पर्यटकों पर्यंत एवं विभिन्न वैज्ञानिक मानक प्रचोदित करेत्र को आसवापी ए पीठर गौरव एवं स्वतंत्रता संपर्क से माने स्वतंत्र अनुभव नहीं जीवापाई क्यों दृष्टिकोण आम कह कोणार्क एक विशेष पीठ एवं तार ए पीठर ए क्षेत्र विशेषत्व रही जहाँ सबु बेले सबु वर्गर मनुष्य मान सबु जुगरे प्रलुब्ध कर पीठ को आसवापी एपर्त आम चर्चा करूली कोणार्क भास्कर्य को नहीं सौंदर्यता को नहीं अर्क क्षेत्र में केवल जे मंत्र पाठ कले आमको फलप्राप्ति हम बा आराधना कले फलप्राप्ति हम ता नुहे से ये भाव सृष्टि करा जाइछि जोटी विशेष ज्ञान प्रयोग करा जाइछि बोली से क्षेत्र विशेष महत्व अच्छी से उपासना करिवार तत्व धारित इति तंत्र तेणु कोणार्क को तंत्रपीठ कहिले अत्युक्ति हेबना विभिन्न तत्व को धारण करिथिबा पदार्थर व्यवहार करा जाइछि कोणार्क मंदिर रे जणे किछि जानु बा न जानु जेमती निया भितरे आंगुठी पुरेले तार आंगुठी जळि जीवो तार धर्म होउछि अग्निर जळैबा ठीक सेमती त्रिताप प्रदान करिबा धर्म होउछि अर्क क्षेत्र आमे कोनोसी आराधना जानु न जानु कोनोसी मंत्र पढ़ु न पढ़ु आमे सेठि प्रवेश करिबा मात्रे ही आम भितरे थिबा जिते प्रकार कलंक जलीपोड़ी भस्म हो जाए कहीं विशेष ज्ञान केमिति सेठी प्रयोग करा जाए प्रथम आम जो मंदिर को जाऊे तार भास्कर्य भितर आम हजि जाऊे किंतु केबे भावुने ता पूर्ववर्ती समय कथा जी से पथर आसला कौठू पथर बाछला किए पथर स्थिर कला किए आम शुणीचे रामायण प्रसंग में जितेबाला सेतु तैयारी करागला सेतबाला पथर पकेवा पूर्वर नल नील उभय थे सी स्पर्श करुले जड़े म लिखुले तापर से पथर पड़ी भाषुला तेनाली करागला सेतुटे कहीं पारे ना से ज्ञान से मेरे ठीक सेमती उत्कलीय कारीगरी जो मैंने शिल्पशास्त्र से मेरे ज्ञान था कौ पथर मंदिर सृष्टि करमती पथर आम बाछबू जो पथर रे माइका बा अभ्रर अंश अधिका थिवो एटी पुणी रिफ्लेक्शन साइंस जे प्रतिफलन को नहीं विज्ञान रो जो प्रतिफलन रो कथा आइछि प्रतिफलन को नहीं केमिति मंदिर सृष्टि करी हबो एवं गुटिए रश्मि कणिका अजस्र रश्मि कणिका हे आम शरीर उपरे केमिति विच्छुरित हो पारिबो से विज्ञान को प्रयोग करा जाइछि रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन साइंस तो से पथर चयन जे जो पथर रे तैयारी कराई आम साधारण भाव कहूँ सैंड स्टोन कारण लाटेराइट स्टोन बहुत भर्ती अच्छी ओडिशा भितर कि सैंड स्टोन केतेटी जगार बछा बछा स्थान मानक अच्छी मुगुनी पथर आम व्यवहार करछे मूर्ति तैयारी करने से भी सीमित स्थान रे उपलब्ध हुए तो सीटी पथर बाछवार जो कला जो सैंड स्टोन कहे पुणी सैंड स्टोन बार प्रकार भाग कराई बार प्रकार सैंड स्टोन अच्छी जो समय रे जियोलोजी बोली गोटे पाठ प्रवेश कर नाला आम पाठ्यक्रम भितरे से समय रे से जना थिला पथर विषय पथर कार्यकारिता विषय
ସେ ପଥର ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ ପୂର୍ବଜମାନେ ସେମାନେ ଚୟନ କରିପାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ ଆମେ ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିକ୍ମିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଉ ବା ଗୋଟେ ଆଇନାଟେ ଦେଖାଉ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କରେ ତା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କହୁଛେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗଳ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇକା କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଯିଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ଧାତୁର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ରହିବ ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ତା'ର ଧାତବ ଗୁଣ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ବା କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହୁଛେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ବା ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା ଏବଂ ସେ ଲୁହା କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାହେବ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି ତାହା କୋଣାର୍କରେ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଏ ମନ୍ଦିରର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ତା'ର ଚାରୁକଳାକୁ ନୁହେଁ ତା'ର ମୂର୍ତ୍ତିକଳାକୁ ନୁହେଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଗଠନର ଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସେ ପଦାର୍ଥର ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସେ ପଦାର୍ଥର ବିଶେଷତ୍ଵ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେ ଧାତୁ କେବଳ ଯେ ଲୌହ ଅଂଶ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ ତା ସହିତ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶନିଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କିଏ ବା ଶନିଙ୍କ ପାଖରେ ମିତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କିଏ ନା ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ଛାୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କ୍ରୋମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କାର୍ବନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ନ ଧରିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ତିନୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ତାହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ତାପରେ ରହିଲା ରଶ୍ମିର କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସାତଟି ରଶ୍ମି କଥା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ରଶ୍ମିର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ କେବଳ ସପ୍ତ ରଶ୍ମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅନେକ ରଶ୍ମି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅବଲୋହିତ ରଶ୍ମି ଏବଂ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଶ୍ମି ଯାହାକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ୍ ରେ କହୁଛେ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରଶ୍ମିର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ରଥର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ରଥ କରରେ ରଥକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ତ ସେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ ଇଏ 34 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏ ସ୍ତମ୍ଭଟା ହେବ ଏବଂ ତା ନାଁ ଦିଆହେବ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ପୁଣି ଅରୁଣଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଛିଡ଼ା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସକୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲା ଉତ୍କଳୀୟ କାରିଗରମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର କଥା ଯେ କେମିତି ଆସି ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ସେ ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସହସ୍ରାଂଶୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଣାର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବାବେଗ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରେଇବ
किभली भावरे एकथा को मध्ये अनेक विश्वास करंती एवं सेथिपाई मध्ये सेमाने कोणार्क अर्कक्षेत्र को आसंती किभली भावरे सूर्य उपासना स्वतंत्र भावरे उपासक मानंकु प्रभावित करिछि। सूर्य होउछंती सकल शक्तिर आधार, समस्त शक्ति आहरण करा जाय सूर्यंग ठारु। आमर शास्त्र रे वर्णित अछि आयु आरोग्य निमन्ते दुई जण देवतांकर उपासना करा जाय थाय। शंकरात आयु, शंकर भगवान ठारु आयु इच्छा कर, आरोग्य कामना इच्छा कर सूर्य भगवान ठारु। तेणु निश्चित भाव आरोग्य लाभ करिवार प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले सूर्य भगवान। सुदीर्घ निरामय जीवन एवं सुस्थ जीवन आमर सूर्यंकर रश्मिर आवश्यकता अछि। योग दर्शन रे वर्णित अछि जे शरीर भितरे गोटे चिदाकाश अछि। ये चिदाकाश रे आमे आत्मशुभ सूर्यंकु आराधना करा जीव एवं सूर्यंकु चिदाकाश रे ध्यान करिबा फल रे सूर्यंक ठारे थिबा ए जो सप्त रश्मि से सप्त रश्मिर थिबा विभिन्न शक्ति संग्रुत हेबा शरीर भितरे जहाँ कि विभिन्न सातटा रंग को मध्य यहाँ रिप्रेजेंट करे प्रतिनिधित्व करे। आमे जानू आम साइंटिस्ट माने कहते आम डाक्तरी डाक्तरी विद्यारे आमर वैद्यराज माने कहते कौन सी एक रंगर ह्रास हेले न्यूनाधिक हेले शरीर रे विभिन्न रोग व्युत्पत्ति होता है। तेणु यही शरीर भितर बात पीत कफ तथा अन्यान्य जो आमर अच्छी पंचतत्व एम को संतुलित करने ये रश्मिर आवश्यकता अच्छी। यही रश्मि को आमे ध्यान मध्यम सूर्यंकर ध्यान मध्यम आमे आहरण करोगशास्त्र वर्णित अच्छी। देवी भागवत पुराण रे उल्लेख अच्छी जे आमे जो सातोटी घोड़ा बा अश्व संयोजित करा जाइछि आमर यही रथरे जो रथरे आसीन होती सूर्यनारायण से हूँ सप्त धातुर प्रतीक सप्ताश रथवाहन सप्ताश रथवाहन। तेणु रस रक्त मांस मेद अस्थि आमर वीर्ज ये जो आम सप्त धातुर वर्णना कर सप्त धातु ना शरीर परिपुष्ट हो ना जीवन असार कारण हो सप्त धातुर परिपुष्ट निम्ते ये सप्ताश वाहन को पूजा अर्चना कराए एवं सप्ताश वाहन होहार प्रतीकात्मक रूप। तेणु एतत् भिन्न आमर सूर्य उपासना विशेषत भाव आमर जदि ज्योतिष शास्त्र कहे दक्षिण चक्षु जदि आप माने आमर दक्षिण चक्षुरे किसी आघात लगेगा दक्षिण चक्षु रोगग्रस्त है रुग्ण है तेज सूर्य आराधना कले रोगमुक्त हो पार जो कि शाम्ब पूजा अर्चना करते यह प्रमाणित पुराण शास्त्र अच्छी शाम्ब दीर्घ समय पर्यंत उपदिष्ट मंत्र उपदिष्ट यही क्षेत्र में सूर्य को आराधना करते। तेणु शरीर सुस्थ रखापी निरामय जीवन जापन करने आरोग्यता लाभ करने सूर्यंकर उपासना एकांत अपरिहार्य यहाँ शास्त्रानुमोदित। तबे श्रीसंत महाभाग आम आपण जानवु जे वास्तविक जितेबाद आम पूर्वज मैंने स्थिर कले अर्कक्षेत्र को सेने बाछले चयन कले से राजा हूँ बा शिल्पी हूँ से माने विशेष भाव ग्रहण कले विभिन्न दृष्टिकोण रू स्थान जो गुरुत्व रही जहाँ आलोचना कले प्रमाण कला जे सेने वास्तविक विज्ञान को आधार करी करें ये कौन ऐशी कृपार एक सुंदर प्रकाश बोली आम कह ना ना से किभली भाव शिक्षा दीक्षा नन विज्ञानी हो पारी आम आज जो इंटरनेट जुग गुगुल जुग कौन स्थान विषय विशेष बरणी आम जी गुगुल को जाऊ नेट सर्च करें सविशेष बरणी प्राप्त कर समय आम कह जे गोटे ज्ञान को दबाई दबापी आम कह जे विभु कृपा समस्त पाखे थाए सबु क्षेत्र में काम करे किंतु ता सहित विशेष ज्ञान आवश्यक करे। तो प्रत्येक उत्कलीय सीत विशेष ज्ञान अधिकारी थे जो स्थान निरूपण कथा कहगला जे कहीं से स्थान को निरूपण कले प्रथम देखिले जे जो ठू से मंदिर टी या
जो जो पदार्थर आवश्यकता अच्छे से पदार्थ को आनी हम ना ना जहाँ को आम कहले जातायातर कथा गमनागमनर कथा बर्तमान सी भी गोटे पार्ट ऑफ साइंस ट्रांसपोर्टेशन सी भी गोटे विज्ञान अंग तेणु से दृष्टिकोण रू से देखिले जे कौ जगार सबुठ अधिक नदी प्रभाव मान एवं जो नदी माने आसी प्रभाव मान से माने से जो मूल सत जो खादान जो पत्थर मिले से स्थान को से माने संलग्न करिसंति ना ना सेतेबेले जलपथ एक प्रमुख आधार थिला गमनागम प्रमुख पथ थिला एवं जो आमे कल्पना करूचे कोणार्कर जे रथरे एते चक किंतु साधारण आमे आखि बंद कर देले रथ कथा चिंता कले दुटा बा चारिटी चक कथा आमे चिंता करिवा किंतु कोणार्क रथरे आमे देखुतिले चक संख्या अनेक ताकु वास्तवरे मध्य व्यवहार करथिले उत्कलीय माने जितेबेले खादानरु नदी पथ पर्यंत पथर को बोहिकी आणवाक पड़ूला से विशेष भाव में गोटे या शगड़ व्यवहार करुले जहाँ को कलश शगड़ी कहते तार अनेक चक विशिष्ट एवं ताकु आगे कि लोक टाणुले पचरे कि लोक पेलुले जो गाँव में पहुँचुला से गाँ लोकर कार्य से गाँव रू आ गोटे गाँव को पहुँचे जहाँ को कहला स्टोन रिले बा गोटे गाँ लोक ने आग गाँव में पहुँचे से गाँ लोक ने आग गाँव पहुँचे एमती कर जलपथ को आणुले जहाँ को कहले कलसी सगड़ तो जो ज्ञान कौशल ट्रांसपोर्टेशन जो गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को आणवार से कौशल व्यवहार करणार्क विशेष क्षेत्र भाव में प्रतिष्ठा करने सूर्य रश्मि जे जो सहस्रांशु नाम से सहस्रांशु ना को सार्थक करिवार गोटे सबुठ सुदृढ़ जंत्र होउछि कोणार्क बा अर्क क्षेत्र जोटे सूर्यंकर रश्मि से मंदिर ग्रहण करिवा परे जेत मंदिर रे से प्रतिबिंबित होंति से सहस्रांशु हि जाय एवं से सहस्रांशु बा सहस्रधार आम उपर प्रभावमान हुए एवं आम विशेष लाभ ता भितर प्राप्ति करू जोटि पई अरुण स्तंभर कथा आम चर्चा करूथिले जे कौ समय रे सूर्यंकर रश्मि जो प्रवाह होउछि ता भितरे जो दुईटी रश्मि आम शरीर को क्षति पहुँचेब तार न्यूनता रक्षा करने अरुण स्तंभर सृष्टि जोटि आम इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रे ताकु कंट्रोल करिवार कैपेसिटी थिला तेणु तो संपूर्ण जदि अर्क क्षेत्र को आम देखू ताले ये गोटे विज्ञान प्रयोगशाला ये केवल मंदिर नुहे केवल रथ नुहे बा गोटे आराधनार क्षेत्र नुहे बा आरोग्यर क्षेत्र नुहे ये उत्कलीय मानकर विशेष ज्ञानर प्रयोगशाला होउछि अर्क क्षेत्र डॉक्टर महापात्र आमे देखू जे जो भली भाव में श्री संत महाभाग कहिले एवं प्रतिपादन करने को मध्य से तंकर तथ्य भी देले जे कोणार्क होउछि एक प्रयोगशाला विज्ञानर तबे आमे देखू एठी केवल आध्यात्मिकता सहित विज्ञानर एवं विज्ञान सहित धर्मर जो अपूर्व समन्वय होइछि तार एक सुंदर चित्र को प्रक्षापन करुच्छी सुंदर चित्र को तोड़ी धरुच्छ अर्क क्षेत्र एवं तार विशेषत्व मध्य प्रतिपादित होन्न्य दृष्टिभंगी जदि आम आलोचना करवा जो भाव में आपड़ कहते जोग दर्शन कथा कहते एटी रवि जेहेतु ग्रहराज भाव में आम सूर्य को ग्रहण करे से ग्रहराज को जिते बड़े आम उपासना करुचे अन्न्य ग्रहकर सतोष विधान कि भाव में सामग्रिक भाव में सब दृष्टिकोण आम आलोचना कर उपसंहारे पहुँचवा जे एक क्षेत्र हूँ अन्य एक क्षेत्र हूँ अद्वितीय क्षेत्र निश्चित रूपे जहाँकि संत महात्मा कहते विशेषत भाव यह हूँ एक प्रयोगशाला ये आध्यात्मवादर परिप्रकाश होती विज्ञानवादर परिप्रकाश होती धर्मवादर मध्य परिप्रकाश होती धर्म को जब आम व्युत्पत्ति कर देखा ध्रुव धातु मनीष प्रत्यय जहाँ धारण में निजर स्वरूप रक्षा हुए अग्नि जदि तार उताप शक्ति को धारण न करे तार स्वरूप रक्षा हेन से भाव में मनुष्य तार जो जो आध्यात्म भाव बा तार जो आनंद भाव को जदि आनंद ब्रह्मण रूपम बोली शास्त्र परिप्रकाश करें तो ये आनंद भाव परिप्रकाश हम केत ना आम जी आराधना करवा आराधना विज्ञान सम्मत होगा उचित आप देखु सूर्योपासनार भितर एभली एक रहस्य अच्छे गूढ़ रहस्य भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते
ज्ञानेन जहाँकि ज्ञान विषय कथा महाराज कहते ज्ञानेन तो तत्ज्ञान जेसंग नाशीतमात्मन तेसंग आदित्यवत ज्ञान नाशयति तत्परम आदित्यवत ज्ञान प्रकाशयति तत्परम जेभली भाव रे सूर्यर आगमन रे अंधकार विनाश हुए से भली भाव रे आत्मरूपक सूर्य जेतले परिप्रकाश हुंती शरीर भितरे ए समस्त प्रकार पाप विधौत होई थाए समस्त प्रकार रोगर मूलोत्पाटन होई थाए तेणु ज्ञानं विज्ञानं सहितं जदज्ञाता मुख्यश सुवात ज्ञान संबलित तथ्य विज्ञान संबलित तथ्य उपस्थापन होइछि अर्क क्षेत्र रे जेऊ ज्ञान विज्ञान संबलित तथ्य को अवगत हेले मनुष्यर समस्त अशुभत्व दूरीकरण हो मनुष्य मुक्ति प्राप्त हो पार कैबल्य प्राप्त हो पार तेभली एक वैशिष्ट क्षेत्र होची आमर अर्क क्षेत्र जे सूर्य को केन्द्र करी बा सूर्य होचंदी प्राण केन्द्र यह सत्य किंतु एठार मध्य जगन्नाथ जेहेतु होचंदी जगतर नाथ कैबल्य नाथ तेणु जगन्नाथ संस्कृतिर कियदंश मध्य प्रतिफलित होई तो बड़ कथा होची अर्क क्षेत्र रे अन्य जिते मंदिर निर्माण शैली आम देखीचे सबुटी निर्माण कलार व्यवहार करा जाइछि किंतु एठी गोटे विज्ञान शक्ति व्यवहार करा जाइछि जहाँ कहले जे शक्तिर कथा शक्ति आराधना करा जाउछि पुरुष शक्ति स्त्री शक्ति उभय शक्ति को मिश्रण करा जाइछि एले मंदिर निर्माण शैली रे माध्याकर्षण शक्ति को व्यवहार करा जाइछि ग्राविटेशनल फोर्स तेणु जो पत्थर खंजा जाइए से पत्थर खंजा जाइए माध्याकर्षण शक्ति को आधार कर तेणु गोटे माध्याकर्षण शक्तिर केन्द्र अर्क क्षेत्र तेणु जितेबाला आम अर्क क्षेत्र कथा कहचे जे केवल आम स्थापत्य कथा नुहे ता भितर व्यवहार करा विशेष ज्ञान कथा चर्चा करवा निहाती आवश्यक जो आम उपस्थित हेले स्वयं भाव समस्त शक्ति आम सहित काम करे जहाँ कहले धर्म परिव्याख्या धार इति धर्म केवल जे धारण कर गुण को ता नुहे आम को जी धारण कर रखी से हूँ धर्म व पंचतत्व यदि पंचतत्वर विशेष प्रभाव अनुभव करार अच्छी तेज आमको अर्क क्षेत्र में पाद थापार अच्छे अर्क क्षेत्र में पृथ्वीर शक्ति मटी को लेकिन माध्याकर्षण शक्तिर व्यवहार कर ताप को नहीं सूर्य शक्ति व्यवहार करा जाइछि बा अग्नितत्व को व्यवहार करा जाइछि पवन को नहीं समुद्रकूलिया करा जाइछि पवन को व्यवहार करा जाइछि आकाश रे आमे नाट्य मंडप को उन्मुक्त करा जाइछि आकाश तत्व को व्यवहार करा जाइछि एमती पंचतत्वर सम्मिश्रण बा पंचतत्वर सठिक व्यवहार रो केन्द्र अर्क क्षेत्र सब शास्त्र अनुमोदित से धर्म को धारण करिछि एवं जहां आम समस्त को प्रलुब्ध करुची एवं ता भितरे आध्यात्मिकतार ता भितरे सामाजिक जीवनर ता भितरे विज्ञानर ता भितरे वैषयिक कलार एवं ता सहित भास्कर्य एवं स्थापत्यर अपूर्व समन्वय परिदृष्ट होउची तेबे दर्शक बंधु आज तो समय निर्देश देउची ए कथा प्रवाह को ए आलोचना को आम एठी विराम दे आगामी अध्याय आउ किछि नूतन तथ्य एवं तत्व आधारित आलोचना चक्र भितरे अर्क क्षेत्र कोणार्कर विशेष अध्याय आपण मानकु स्वागत करिबु आज पाई नेउछु मेलाणी जय श्री आदित्य नारायण। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।